प्रणाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय हम अपने प्रयागराज के फाफा मऊ की तरफ आए हैं और ये माता दीन का पुरवा गांव है, वहां पे इस समय हम लोग आए हैं और काली घाटी पे आए हैं। और ये काली घाटी बहुत फेमस है जो कि, और यहां पे नया मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहां पे एक लकड़ी का पुल बनाया गया है जो कि हमारे प्रयागराज में ही है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। और सामने इधर ये देख सकते हैं, ये रेलवे लाइन गई है लखनऊ से प्रयागराज वाली, और आगे वहाँ पे जो फ्लाईओवर दिख रहा है वो फाफा मऊ वाला फ्लाईओवर है। सामने वहीं बगल में फाफा मऊ स्टेशन है, वहाँ से देखेंगे तो ये मंदिर दिखेगी, काली घाटी मंदिर, जो यहाँ पे काली माता का मंदिर भी है वहाँ पे। और जस्ट अभी हम लोग गेट पे ऊपर चढ़े हैं और चढ़ते ही यहाँ पे जस्ट सामने ये बजरंगबली का ये बना हुआ है मंदिर, बन रहा है अभी धीरे धीरे, लगभग एक साल से बन ही रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये सीमेंटेड का बनाया गया है लेकिन ये बांसनुमा बना है, लेकिन जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य देखने में लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों अभी नया ही बन रहा है। और ये अगल बगल का नज़ारा देखिए, ऐसे दिखता है। और हमारे प्रयागराज में भी ऐसे ऐसी जगह हैं दोस्तों कि कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, और लोगों को तो जानकारी होगा शायद। तो बहुत ही अच्छे अच्छे जगह हमारे प्रयागराज में ही है। और यहाँ तक आने के लिए दोस्तों आप लोग शांतिपुरम से, फाफा मऊ शांतिपुरम से आएंगे, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप गूगल मैप पर डालेंगे तो काली घाटी मंदिर डालेंगे तो यहाँ पर गूगल आपको ले आ देगा, तो हम ऐसे आप लोग आ सकते हैं, 2 किलोमीटर पड़ता है। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे अंदर जो भी है सब कुछ दिखाते हैं और माता रानी के दर्शन भी करते हैं और लकड़ी का जो पुल बना हुआ है उसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चल के देखते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जैसे हम ऊपर चढ़े हैं यहाँ पे ये बजरंग बली जी हैं यहाँ पे अंदर, देखते हैं चलने का प्रयास करते हैं अंदर। गेट खोल लिए हम लोग, ये आ गए अंदर। ये बजरंगबली है, जय बजरंगबली। कुछ बच्चे वहाँ पे भी खड़े हैं जो कि वो लोग भी नारा लगा रहे हैं बजरंगबली का। तो आइए उन लोगों से भी मुलाकात करा देते हैं आप लोगों का, घंटी भी बजा लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे तो दर्शन कर लिया हूँ, गेट बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए भी लगा हुआ है, देख सकते हैं बांसनुमा बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। आइए ऊपर चलते हैं और कुछ लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों ये कुछ भाई लोग हैं, इनसे आप लोगों की बात करा देते हैं। क्या क्या नाम रहा आपका? रामचंदी। तो यहाँ पे क्या दर्शन वगैरह करने के लिए आए? मतलब अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। तो किस क्लास में पढ़ रहा है इस समय? 7th। कहाँ? यहीं पे प्रयागराज में। हाँ। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम रहा छोटू? अनीस। अच्छा अच्छा लग रहा है दर्शन करके। हाँ। तो मतलब घूमने के लिए आए हो? हाँ। आप लोग भी मतलब घूमने आए हैं? हाँ। क्या नाम रहा आप लोगों का? सरोज। तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। मतलब माता दीन के पूर्वा क्या? नहीं, परफेक्ट का पूरा। ये कौन सा गांव लगाता है? ये माता दीन पूरा माता। अच्छा मतलब आपको बगल में गांव है। तो वो जो काशी राम, तो ये मंदिर कब बना आपको जानकारी है आप लोगों को? नहीं इसके बारे में तो नहीं पता है। अच्छा पंडित जी बात बता सकते? तो आइए मुलाकात करवाइए पंडित जी से। तो आइए दोस्तों पंडित जी से मुलाकात करते हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ के काली माता मंदिर के ये पुजारी जी हैं, आप पुजारी जी हैं यहाँ के? पुजारी नहीं है, पुजारी के भाई हैं। आप पुजारी जी, लेकिन तब भी आप पुजारी ही हुए। तो ये मंदिर के बारे में बताइए, मंदिर कब से बना यहाँ पे? मंदिर है बहुत पुरानी थी लेकिन नया जब और साल 20 उसमें बना, मतलब 1-2 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ ये बना है, इसके बाद फिर ऐसा ये बना है 2022 में। अच्छा ये वाली हनुमान जी वाली बहुत बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, बहुत अच्छा बना है। 2021 में वो बनी है। अच्छा वो शंकर जी वाले। अच्छा अच्छा, जो यहाँ के मेन पुजारी हैं कहाँ हैं? वो मसान दादा पे गए। अच्छा मतलब गए हैं वो अपना पूजा वूजा करने? वो गंगा जी ने। अच्छा फाफा मऊ गंगा जी के।
तो दोस्तों आइए दर्शन कर लेते हैं, हम लोग आए हैं तो आप दर्शन कर लेते हैं और आप लोग भी यहाँ पे आइएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर बना है, ये काली माता का मंदिर है, काली माता का भी मंदिर है, शंकर जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और सबका मंदिर दिखाने का प्रयास करेंगे और दर्शन करेंगे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कपाट खुलने का समय सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक है, शाम 3 से 9 बजे तक है यहाँ पे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो, अगर दर्शन करना चाहते हैं तो टाइमिंग ये रहा। और गेट तो बंद है, तो देखते हैं गेट खुलता है, गेट तो खुल गया है मंदिर का। ये काली माता का मंदिर है और हम भी दर्शन कर लेते हैं काली माता का। जय हो काली माता, जय महाकाली। और यहाँ पे जिसको मतलब दान वगैरह करना हो कर सकता है, पेटी रखी हुई है, अब स्वेच्छा से लोग करते हैं यहाँ पे। और आइए एक बार घूम लेते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों हम दर्शन कर लिए काली माता का, तो आइए बाहर की तरफ चलते हैं। इधर भी बाहर भी मंदिर है, उनका भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए फिर बाहर चलते हैं, और शंकर भोलेनाथ जी हैं, पार्वती जी हैं, तो उधर दर्शन कराते हैं आप लोगों को। और ये हम बाहर आ चुके हैं, और दोस्तों ये जैसे ही काली माता के मंदिर से दर्शन करके हम बाहर निकले हैं, ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। एकदम यहाँ पे प्राकृतिक का दृश्य दिख रहा है, एकदम नेचुरल दिख रहा है। यहाँ पे पेड़ पौधे एकदम लगे हुए हैं। हमारे प्रयागराज में भी ऐसी ऐसी जगह है जो कुछ लोगों को भी नहीं जानकारी होगा, तो दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे अभी डेवलप किया ही जा रहा है, सुंदरीकरण किया ही जा रहा है। देखिए ये मंदिर बन रही है शनिदेव की, और ये शनिदेव की मंदिर बन रही है इधर, और इधर क्या है, बाबा जी की कुटिया, और ये बाबा जी का कुटिया है। ये देखिए काली घाटी बसना बाबा बसना धाम बाबा जी कुटिया है, और इसमें अभी बाबा जी होंगे नहीं तो हम बाबा जी से मुलाकात आप लोगों को करवा देते, और जो भी आप लोगों को समस्या होगा शायद बाबा जी निदान करेंगे, करते होंगे। तो आप लोग आइएगा यहाँ पे, जिसकी जो समस्या रहती है, तो हमने ऐसा सुना है। तो इधर भी ये देखिए दोस्तों, इधर भी बैठ सकते हैं अपना। और ये भी मंदिर है कोई, ये शंकर जी का मंदिर है। जाने का रास्ता किधर से, इधर से। और ये शंकर जी का मंदिर है, तो चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। जय हो भोलेनाथ। ये ऊपर आ गए दोस्तों, ये शंकर जी का मंदिर है, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं शंकर जी का मंदिर है, ये यहाँ से बाहर चलेंगे हम लोग। आइए बाहर चलते हैं अब दोस्तों, शंकर जी का भी दर्शन कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं। और दोस्तों ये बाहर निकल चुके, ये तो यहाँ पे ये तालाब टाइप का बनाया गया है, ये किस चीज़ का है, क्या लगाया गया है, कमल है ये दोस्तों, कमल का पौंड तालाब है, कमल फूल वाला, अच्छा जो फूल है। और यहाँ पे कमल का मतलब फूल खिल भी गया है, आप लोगों को दिखाते हैं। लोग कह कुछ मतलब हम बच्चे होंगे जो रियल में कमल का फूल नहीं पता होगा, तो दिखाते हैं हम। ये देखिए कमल खिला हुआ है, कहते नहीं है कमल कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो कमल खिला हुआ है ये देखिए। और यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और ये बच्चों के मनोरंजन के लिए भी रखा गया है, झूला वगैरह। ये इधर का दिखा दिया हूँ दोस्तों, और दिखा दो उनको, पुल बना है लकड़ी का, अच्छा, और लकड़ी का पुल भी बना है, तो ये हमारे साथ इस पार से उस पार होने के लिए, हाँ अच्छा, इस पार से उस पार होने के लिए लकड़ी का पुल भी यहाँ बना है, तो ये चाचा जी हमको दिखाएंगे, यहीं से चलना होगा।
ये दोस्तों हम चल रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आश्चर्य हमको हो रहा है कि हमारे यहाँ पे फाफा मऊ में भी, प्रयागराज में भी ऐसी ऐसी जगह है और लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो देखते हैं और चलते हैं, और उस तरफ भी कोई मंदिर है पुल को। अच्छा, तो दोस्तों चल रहे हैं दोस्तों, फिलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है, चल सकते हैं इस पर, लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये आ गए हम, और सामने उधर रेलवे लाइन दिख रही है लखनऊ वाली, फिर सामने ये देखिए। अब आइए वापस चलते हैं इसी पुल से, और पुल इसलिए बनाया गया है कि इस पार से उस पार जिसको आना जाना होगा, क्योंकि मंदिर उधर बनी हुई है, ये ग्रामवासी लोग इधर से जाते हैं। और ये इधर देखिए, ये नाला टाइप का बना हुआ है, और सामने ये रेलवे लाइन दिख ही रहा आप लोगों को, ये सामने लखनऊ वाला, प्रयागराज लखनऊ, और ये इधर बगल का है नज़ारा है। तो और ये चलते हैं दोस्तों, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। ये नाला वाला सीन, नाला दिखा दिए, नाला कहाँ गया है? नाला गंगा जी मिला हुआ है। ये नाला दोस्तों गंगा जी में मिला हुआ है, ये चाचा जी बता, बसना नाला, और ये बसना नाला है, बसना का नाला इसको बोलते हैं, पूरा चंबल घाटी है, और एकदम दोस्तों चाचा जी बता रहे हैं कि एकदम पूरा चंबल घाटी इलाका जैसे लग रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दृश्य दिख रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये चाचा जी को देख रहे हैं, यही हमको यहाँ का विजिट करवाए हैं, दिखाए हैं, मतलब किधर क्या है सब कुछ बताए हैं। तो चाचा जी ये बताइए, यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है? हाँ, यहाँ पे मेला लगता है चैत के नवरात्र में और सुवार के नवरात्र में, और नवमी के दिन यहाँ भंडारा होता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा भंडारा होता है यहाँ, कम से कम 20,000 आदमी खाते हैं। अच्छा, 20,000 आदमी खाते हैं? हाँ, 20,000 आदमी खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत नवमी के दिन यहाँ पे भंडारा होता है, नवमी के दिन होता है प्रति हर साल कुवार के नवमी होता है। तो आप लोगों को भी ऐसे चीज़ों में सहयोग करना चाहिए, तो आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इसमें एकजुट होना चाहिए, दिखाना चाहिए, जो भी आप लोगों के पास आइए, आप लोग यहाँ पे देखिए, वैसे आपको देखने में बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, बहुत एकदम पर्यटक स्थल एक प्रकार से है, तो भगवान है यहाँ पे, तो आप लोग आइएगा, कुछ करिएगा, हेल्प करिए, जिससे हम लोगों के सहयोग से ही यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ के हम काली घाटी का पूरा मंदिर का विजिट करा दिए हैं, और चाचा जी भी कुछ सहयोग किए यहाँ पे बताने में। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।